हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जोहार जीएस में। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे 1917 से 1921 के बीच जो है रूस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जो जेसीसी पीजीटी का हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें का। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ प्रमुख कथनों को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कथन है वो है पीटर महान का। इनका कथन था कि जात दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके बाद है ड्यूटसर्स का, ये कथन है कि मनुष्य जाति के इतिहास में 25 अक्टूबर 7 नवंबर 1917 ईस्वी का दिन जो है महान एवं अविनाशी सीमा चिन्ह के रूप में विद्यमान है। फिर अगला कथन है फिशर का, सन 1917 की रूसी क्रांति निरंकुश के विरुद्ध आर्थिक विस्फोट थी। इसके बाद है ट्रट्स्की का, ये कथन बहुत कम चांस है कि पूछेगा। इनका कथन था कि लोग कहते थे कि जब बलवा होगा तो क्रांति रक्त की नदियों से डूब जाएगी, परंतु हमने एक भी व्यक्ति की मृत्यु की खबर नहीं सुनी। इतिहास में ऐसी कोई भी उदाहरण नहीं है कि किसी क्रांति में इतने लोग सम्मिलित हों और रक्तहीन हो। बोल्शेविक क्रांति इस्लाम के उदय के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, ये कथन है एच जी वेल्स का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेनिन का जो कथन है, बिना आतंक तथा हिंसा के श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद पर विचार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ प्रमुख कथन है और कथनों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें आप लोग जो है लेनिन का कथन और साथ ही साथ पीटर महान का जो कथन है, ये दो कथन को ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रांति कैसे हुआ था इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रांति से पूर्व जो है रूस की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो 1904-5 में जो है रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें रूस जो है पराजय हुआ था, और साथ ही साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी से पराजय, ये दो कारण भी जो है हुए थे जिससे राजनीतिक स्थिति कहा जाए तो रूस की गड़बड़ा गई थी। अब जो है जार निकोल्स, ये जो है उस समय रूसी क्रांति के समय जो है ये जार था। कहने का मतलब, जार का मतलब हुआ कि रूस में उस वक्त जो राजा हुआ करता था उसे जार कहा जाता था, और रूस की क्रांति जो हुआ था वो जार निकोल्स के समय में हुआ था। ये किस प्रवृत्ति का था, ये एक निरंकुश जार था। नीतियों पर जो है पोविदो नोस्तो का प्रभाव था, दमनकारी पदाधिकारी थे इसके। इनकी पत्नी जो थी जरीना अलेक्जेंड्रा जो कि जर्मन राजकुमारी थी, इस पर जो है रासपुतिन नामक एक साधु था जिसका प्रभाव था इस पर। जार निकोल्स के समय में ही जो है दो क्रांतियां हुई थी, दो क्रांतियां, एक 1905 में और दूसरी क्रांति 1917 की प्रथम क्रांति, जिसके कारण जो है रोमनवा वंश समाप्त हो गया था। 19वीं शताब्दी की दो विचारधाराएं, उस समय रूस में जो है दो विचारधाराएं थी, एक था क्रांतिकारी समाजवादी और एक था उदारवाद। क्रांतिकारी समाजवादी में जो है कौन कौन शामिल थे, पॉपुलिस्ट मार्क्सवादी, ये लोग जो है इसमें शामिल थे, और इनका कहना था कि क्रांति के द्वारा जो है निरंकुशता समाप्त की जा सकती है। और उदारवादी जो थे इनका कहना था कि संवैधानिक शासन लागू किया जाए। क्रांतिकारी समाजवादियों में भी जो था दो दल था, एक था क्रांतिकारी समाजवादी दल और एक था सोशल डेमोक्रेटिक दल जो 1898 में बना था, इसे ही जो है मार्क्सवादी दल भी कहा जाता था। 1903 में क्या हुआ, ये दो भागों में बट गया, यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक दल जो था वो दो भागों में बट गया, एक था बोल्शेविक और एक था मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत में और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पमत, लेकिन होता था हमेशा उल्टा। मेंशेविक जो होते थे वे हमेशा बहुमत में हुआ करते थे, और बोल्शेविक जो हुआ करते थे वे अल्पमत में होते थे।
बोल्शेविक में जो थे नेता जो थे वे थे लेनिन, और ये चाहते थे, और इनका जो विचारधारा था वो बहुत ही कठोर अनुशासन का था, और इसके समर्थक वर्ग जो था वो था सर्वहारा वर्ग। और मॉन्सेविक में जो था मर्तो नेता था, और इसमें श्रमिक वर्ग, और ये जो चाहते थे कि जनतंत्र की स्थापना की जाए। इसके अलावा जो है उदारवादियों का प्रभाव क्षेत्र जो था स्थानीय शासन में हुआ करता था, और स्थानीय शासन में जो संस्था हुआ करती थी उसे जेमस्तोवो कहा जाता था। ये सब रूसी नाम है कि स्थानीय शासन के जो संस्था होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे जो है जेमस्तोवो कहा जाता था। 1904 इस वक्त जो है उग्र उदारवादी समर्थक दल भी थे, और ये चाहते थे संवैधानिक शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार, ये तीन चीज़ जो है उग्र उदारवादियों की मांग थी। और इसके समर्थक जो थे स्ट्रेव, रेडिसेफ, मिलकाव, नाबोकाव, ये जो है इसके समर्थक थे। और इनका जो दल था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसे संक्षिप्त में जो है कैडेट कहा जाता था। इसके अलावा जो है मध्यमार्गी उदारवादी भी थे, इन्हें जो है अक्टूबरिस्ट कहा जाता था। ये याद रखिए कि अक्टूबरिस्ट किसे कहा जाता था। इसके नेता जो थे गुस्काव थे। इसके अलावा जो है निरंकुश सत्ता के भी समर्थक थे, जिन्हें जेन्युइन रशियंस कहा जाता था। तो ये सब जो है उस समय रूस में जो है विद्यमान थे। इसके अलावा क्या था कि पेट्रोग्राड के मजदूरों और सैनिकों को भी जो है सोवियत का मतलब होता था परिषद, ने भी जो है 1917 की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई। 25 नवंबर 1917 को क्या हुआ कि संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसमें 707 जो है क्रांतिकारी समाजवादी दल का जो है स्थान मिला, और 175 में जो है बोल्शेविक आए। अभी भी देखिए जो है बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत, लेकिन देखिए यहाँ पर अल्पमत में है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रभाव क्षेत्र किस किस तरह का था, जो ये अलग अलग विचारधाराएं थी या फिर दल था तो इनका क्षेत्र कौन कौन सा था। तो क्रांतिकारी समाजवादियों का जो है प्रभाव क्षेत्र था वो गांव एवं किसानों के में था। मॉन्सेविक जो थे इनका जो है शहरी कामगारों पर, और कैडेट दल का जो था ये मध्यम वर्ग पर जो है इनका प्रभाव था। और बोल्शेविक जो दल था कुछ शहरी कामगारों पर जो है इनका प्रभाव क्षेत्र था। अब हम लोग जानेंगे कि क्रांति के क्या क्या कारण थे, किस कारण से जो है 1917 में जो है क्रांति हुई थी, ये कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहले जो है जारशाही की निरंकुशता, यानी कि उस वक्त जो है जार जो है बहुत निरंकुश हुआ करते थे, रूसी सम्राट निरंकुश थे, इवान चतुर्थ का जो है अनुसरण करते थे। और इवान का जो है कथन था जार रूस का एकाधिपति है। पीटर महान का कथन बता ही दिए कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके बाद है जार अलेक्जेंडर प्रथम, ये कुछ हद तक जो थे उदार थे, लेकिन क्या हुआ कि पोलैंड के विद्रोह और अन्य प्रभावों के कारण पुनः प्रतिक्रियावादी नीति अपना लिए थे। इसके बाद है जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ये भी कुछ हद तक उदार थे। इनके समय में जो है कृषक दासों की मुक्ति हुई, स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार हुए थे। अब है कि जिसके समय में रूसी क्रांति हुआ वो थे जार निकोल्स, इनका क्या स्थिति था। तो जार निकोल्स जो है ये निरंकुश था, और इनके समय में दो क्रांतियाँ हुई थी, एक 1905 में और एक 1917 में। और इन्होंने क्या किया था कि ड्यूमा में जो है निर्वाचन की घोषणा की थी, लेकिन जो है जनता की प्रतिनिधि सभा के वास्तविक अधिकारी बनने से रोका। यानी कि ड्यूमा जो था इसमें जनता के प्रतिनिधि तो थे, लेकिन जो वास्तविक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। अब हम लोग देखते हैं 1905 की जो क्रांति हुई और ड्यूमा का जो विघटन हो गया, क्या था ये। 22 जनवरी 1905 दिन था रविवार, लाखों मजदूर पादरी गैपो,
ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, पादरी गेपू, इसलिए इसको याद रखिएगा कि पादरी गेपू के नेतृत्व में जो है प्रदर्शन किया गया। इनका मांग क्या था? इनका मांग था जार से कि राजनीतिक और औद्योगिक मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन जार ने क्या किया कि गोली चलवा दी, जिससे 130 लोग मारे गए और इसे जो है रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ये है घटना है कि खूनी रविवार जो है किस तिथि को कहा जाता है, ये है 22 जनवरी 1905 को। ये गोली जो चलवा दी है जिसके कारण बहुत उग्र प्रदर्शन हुए, और 30 अक्टूबर 1905 को जो है जार ने शासन सुधारों की घोषणा कर दी। सबसे पहले क्या सुधार किया गया कि भाषण दे सकते थे, विचार प्रकट कर सकते थे, संघ बनाने की मदद छूट दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि ड्यूमा में जो है ये निर्णय लिया गया कि बिना सहमति के कोई कानून नहीं होगा और इसमें जनता के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन जार जो था ये सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन को शांत करने के लिए इन सुधारों की घोषणा किया था। किस लिए? कि ड्यूमा के प्रभाव को कम करने के लिए इसने क्या किया कि एक नया परिषद बनाया जिसे साम्राज्य परिषद कहा, और इसमें जो है सम्राट अपने चुनिंदा लोगों को रखता था। जिसके कारण क्या हुआ कि ड्यूमा जो है धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगी। अब क्या हुआ कि लोगों में जो है असंतोष की भावना बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि 1906 में ड्यूमा का विघटन कर दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ कि कृषकों की जो है स्थिति बहुत दयनीय थी। रूस एक कृषि प्रधान देश था। 1861 में कृषि दासों को जो है मुक्ति मिली थी, कृषकों को जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ता था। 1902 में हार्कोव पोल्टोवा, यहाँ पर किसान आंदोलन हुए। 1905 में समस्त कृषकों का मास्को सम्मेलन हुआ और रूसी कृषक संघ बनाने का निर्णय लिया गया। 1906 में प्रत्येक किसान क्यूमन से अपनी भूमि अलग करने का अधिकार दिया गया। 1910 में समेकीकरण करने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार और बहुत सारे छूट जो है दिया जा रहा था कृषकों को, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कृषकों की स्थिति बहुत अच्छी थी। कृषकों की स्थिति जो है उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति थी, जो कि एक कारण था रूसी क्रांति का। इसके अलावा जो है श्रमिकों में भी जो है असंतोष था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, जिसके कारण जो है हजारों भूमिहीन किसान यहाँ रोजगार के लिए पहुँचे थे। 1905 की क्रांति मजदूरों ने की थी, यानी कि 1905 की क्रांति जो हम लोग पढ़े, जो पेट्रोगार्ड में प्रदर्शन हुआ था, वो जो है मजदूरों ने किया था और सेंट पीटर्सबर्ग में सरकार बनाई गई थी। 1912 में जो है कुछ सुविधाएं दी गई, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा का अधिकार जो है लागू किया गया था, लेकिन इससे जो है मजदूरों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। कारण क्या था कि मजदूर वर्ग जो है वो सर्वहारा शासन चाहते थे, यानी कि मजदूरों का शासन होना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है सर्वहारा और एक बुर्जुआ, ये दो टर्म है जिसको समझ लीजिए यहीं पर कि बुर्जुआ किसे कहा जाता था। देखिए, जो धनी वर्ग होता था या पूंजीपति वर्ग होता था उसे बुर्जुआ कहा जाता था, और जो मजदूर या श्रमिक वर्ग होता था उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। तो इस वक्त क्या था कि श्रमिकों में असंतोष था और ये लोग चाहते थे कि क्रांति हम लोग किए लेकिन हमारा शासन स्थापित नहीं हो पाया। और क्या हुआ कि जो शासन स्थापित हुआ, जो व्यवस्था लागू भी हुआ, तो वो पूंजीवादी व्यवस्था लागू हुई जो कि निरंकुश जार के अधीन में था, इसलिए श्रमिक भी जो है असंतोष थे। इसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक विषमता, यानी कि जो समाज था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, एक था अधिकार युक्त और एक था अधिकार विहीन वर्ग। अधिकार युक्त वर्ग कौन कौन थे कि कुलीन जार
के कृपा पात्र, ये लोग जो है इनको बहुत सारा अधिकार दिया गया था और अधिकार विहीन में जो है किसान और मजदूर आते थे। इसके बाद एक नीति था जार्क, जो कि रूस में जो जितने भी जार्क हुए उनके द्वारा एक नीति चलाया जा रहा था रूसीकरण का। लेकिन रूस में क्या था कि विभिन्न जातियों धर्म के लोग रहते थे और जार जो चाहता था कि सभी एक ही धर्म को माने, जिसमें जार अलेक्जेंडर प्रथम इसने जो है रूसीकरण की नीति को अपनाया और इसका नारा था एक जार एक धर्म। ये याद रखिएगा कि ये नारा किसका था, जार अलेक्जेंडर प्रथम का, जिसके कारण भी जो है विद्रोह की भावना जागी। और क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है प्रबुद्ध वर्ग। उस समय रूस में एक वर्ग ऐसा था जिसमें बहुत सारे प्रबुद्ध लोग थे, जिसमें टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव, कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है द मदर है ठीक ना, और टॉल्स्टॉय की पुस्तक जो है युद्ध एवं शांति। ये वर्ग भी जो है रूस की क्रांति में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा रूस में समाजवाद का प्रसार, इस समय जो है समाजवाद जो था इस विचारधारा का जो है बहुत ज़्यादा प्रचार जो है रूस में हो रहा था। 1860 के दशक से ही जो है ये प्रसार धीरे धीरे बढ़ रहा था। चर्नेस्वेस्की और हर्जेन सबसे पहले रूस में समाजवादी विचारधारा को फैलाया और इनके समर्थकों को जो है नर्दोनिक या पॉपुलिस्ट कहा जाता था। ये याद रखिएगा कि पॉपुलिस्ट किसे कहा जाता था। और समाजवादी दल, इसके बारे में बता ही दिए, ये दो भागों में बाद में बढ़ जाता है। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक दल और 1903 में बोल्शेविक और मेंशेविक। इसके बाद जो है जार निकोल्स का व्यक्तित्व, ये बहुत ही अंधविश्वासी, हठधर्मी और मंद बुद्धि वाला आदमी था। इस पर जो है महारानी अलेक्जेंड्रा जो था प्रभाव था, और अलेक्जेंड्रा पर जो है रास्पुतिन नामक साधु का प्रभाव था, जो तात्कालिक कारण था जिसके कारण रूस में विद्रोह हुआ। उसका जो सबसे सर्वप्रमुख कारण जो था प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस का शामिल होना, जिसके कारण रूस में जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जब ड्यूमा में ये निर्णय लिया जा रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ जाए या नहीं, तब बोल्शेविक के 5 सदस्यों को छोड़कर सभी ने इसका स्वागत किया, जिसके कारण क्या हुआ कि रूस में घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। 1916-17 के शीतकाल में रूस में घोर असंतोष व्याप्त हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग रूस के जो क्रांति हुआ था उसके विभिन्न कारणों को जान गए, जिसके कारण रूस में जो है क्रांति हुई। अब हम लोग इसके अगले भाग में जो है जानेंगे कि वो क्रांति किस प्रकार से आगे बढ़ा, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जो इससे पहले भी जो वीडियो बनाए हैं वो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम जो है और भी वीडियो बनाएं और पता चले कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बताइए जो भी आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसमें जिसके कारण जिससे जो है सुधार किया जा सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।